राज्य के मुख्यमंत्री अपने गृह जोन जमशेदपुर में जाकर मां शीतला मंदिर में दर्शन किया और वहां पे अपनी हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामना देते हुए कहा कि पूरे राज्य में कहीं न कहीं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा मनाया जा सके। सीएम ने यहां पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया और भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन किए। इसके बाद सीएम रघुवर दास सोनारी के बैर झावड़ा बस्ती स्थित अपने परिजन के यहाँ आयोजित जावरा पूजा में शामिल हुए और परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी पूछा। वहीं जमशेदपुर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्ष 2019 का चुनाव राष्ट्रवादी और राष्ट्र को पीछे करने वालों के बीच होगा। आने वाले चुनावों में विपक्ष द्वारा महागठबंधन को लेकर चल रही सियासी खेल पर टिप्पणी करते हुए सीएम रघुवर दास ने कहा कि विपक्षी गठबंधन महाठगबंधन और लूट का गठबंधन है, ऐसे में गठबंधन को अब जनता पनपने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि अब जोड़ तोड़ की सियासत नहीं चलेगी बल्कि विकास और स्थिरता की राजनीति होगी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर सियासी तीर चलाते हुए सीएम रघुवर दास ने कहा कि आज़ादी के 67 साल तक कांग्रेस ने झारखंड को लूट का चारागाह बना दिया था और इन्हीं वजहों से अलग राज्य की मांग भी उठी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झारखंड में शोषण दोहन और राज्य को विकास से दूर किया और अलग राज्य बनने के बाद कांग्रेस ने राजनीतिक अस्थिरता फैलाने का काम किया। हमारे अंदर या समाज के अंदर जो असुर शक्ति है उसका संहार करे और माँ लक्ष्मी गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में समृद्धि लाए और जो झारखंड में देश में आगंता है माँ सरस्वती ज्ञान का प्रकाश किया ताकि हम झारखंड को ज्ञान की राजधानी रांची को बना सकें, ये माँ से आराधना है। नगर निगम की प्रक्रिया चल रही है और जल्द इस पर सरकार निर्णय लेगी। आपने बात शासन जब जब रही तब तक कोई हमारी सरकार बनी उसमें कोई लूट खसूट नहीं।